Welcome people, this is UPSC Connect. So, under the course of Disaster Management, we will be learning about Volcano. Let us talk about India's profile with respect to volcanoes. India's only live volcano is in the Barren Island volcano in the Andaman Nicobar Islands, which has started showing activity near 1991 after being dormant for over 150 years. इंडिया का इकलौता वोल्केनो जो है वो बैरन आइलैंड में है जो कि अंडमान निकोबार में सिचुएटेड है और उसने जो है 1991 में एक्टिविटी दिखानी शुरू करी थी आफ्टर बीइंग डोरमेंट फॉर 150 इयर्स। उसके बाद हम देखते हैं 2017 में उसने फिर से जो है ऐश को स्प्यू करना शुरू कर दिया था। ये जो वोल्केनिक आइलैंड है हमारा वो टोटली वहाँ पे कोई भी लोग नहीं रहते हैं और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आइलैंड जो है बैरन एंड डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन। यहाँ पे ना पूरा ही बैरन है, यहाँ पे वेजिटेशन भी नहीं है, मतलब पूरा ही ये जो आइलैंड है पूरा ही खाली है। यहाँ पे कोई ह्यूमनकाइंड नहीं है, कोई भी लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है। तो जैसा कि हमने बताया था हैजर्ड विदाउट वल्नरेबिलिटी, यू नो उसे हम डिजास्टर में काउंट नहीं कर सकते। अगर ये फटता भी है वोल्केनो इंडिया के, आप समझिए, तो ये क्या करेगा, इसका लावा निकलेगा पर किसी को डैमेज नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे वल्नरेबिलिटी वाला सेक्शन ही नहीं है। आइए बात करते हैं वोल्केनो के बारे में, यहाँ पे एक जिस्ट लेते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच मोल्टन रॉक मटेरियल मैग्मा कम्स आउट, एक्सप्लोसिव बर्स्ट ऑफ गैसेस एंड वोल्केनिक एशेस ऑल्सो एरप्ट। वोल्केनो एक ऐसा वेंट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर जिसमें से मोल्टन रॉक मटेरियल या जो पिघले हुए पत्थरों के जो लावा होता है मैग्मा, जिसको हम लावा भी बोलते हैं, वो बाहर आता है और जब ये बाहर आता है साथ ही साथ उसके एक एक्सप्लोसिव गैस भी बर्स्ट होती है और साथ साथ वोल्केनिक ऐश भी बहुत सारी निकल के आती है। तो उसको बेसिकली हम जानते हैं एक वोल्केनो के हिसाब से। वोल्केनो के बारे में सारी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो सारी हमने इस वीडियो के अंदर आपको बताई है जो कि हमारा यूपीएससी कनेक्ट का ज्योग्राफी का कोर्स है सेक्शन 3.1। प्लीज इसको रेफर करिए और अपनी नॉलेज को और ज्यादा एनरिच करिए विद रिस्पेक्ट टू वोल्केनो। So that was all about this video. Follow us on YouTube, Instagram, Facebook, and visit our website for latest updates.